सो uh, सीसेट so के जितने भी स्पेन स्टूडेंट्स हैं आपको पता होगा हम लोग हर रोज आपके लिए कुछ ना कुछ नया कंटेंट लेकर के आते हैं स्टडी मटेरियल लेकर के आते हैं तो आज हम लोग अपलोड करने वाले हैं करंट अफेयर्स का पार्ट थर्ड हम लोग अक्सर करंट अफेयर भी अपलोड करते हैं तो आज थर्ड पार्ट हम लोग अपलोड कर रहे हैं आप एक काम कीजिए आप वीडियो को पूरा देखिए बहुत सारी चीजें आपको समझ आने वाली है इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाल दिया है तो अभी सौ त्रिपाठी सर आपको पढ़ाने वाले हैं करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शुरू करते हैं स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स सो आज के सेशन में विल अगेन लुक एट टेन इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स क्वेश्चन जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिनमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको आप याद कर सकते हो एंड इवन जो क्वेश्चन में आपको हिडन इन्फॉर्मेशन है जो चीज़ें आपको डायरेक्टली नहीं दी हुई हैं उस पर भी आप रिसर्च करके उसको भी आप कहीं पर नोट डाउन कर सकते हो ताकि आप अपने एग्जाम के पहले उसको रिवाइज कर पाओ राइट सो लेट्स स्टार्ट द सेशन सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी थर्ड जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी दिवस इन द मेमोरी ऑफ ठीक है सो ट्वेंटी थर्ड जनवरी जो आपका है वो पराक्रम दिवस के तौर पे मनाया गया था क्यों ट्वेंटी थर्ड जनवरी में ऐसी कौन सी खास बात है कि उसको पराक्रम दिवस मनाया गया था आपके ऑप्शन हैं इंडिया वॉन द वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान इन नाइनटीन सेवेंटी वन मोर देन नाइनटी थाउजेंड आर्मी पर्सनल इंक्लूडिंग द आर्मी ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान सरेंडर्ड बिफोर इंडियन आर्मी इन ढाका बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडिया डिक्लेय हर सेल्फ एज सेल्फ सफिशियंट इन फूड ग्रेन ठीक है तो यह आपके ऑप्शन है नाउ ट्वेंटी थर्ड जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ठीक है सो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर राइट ही इज ऑल्सो नो एज द फाउंडर ऑफ INA, Indian National इंडियन नेशनल आर्मी एंड ही प्लेड role in रोल इन गेटिंग इंडिया इट्स इंडिपेंडेंस तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो होती है ट्वेंटी थर्ड जनवरी को सो so, उनको ऑनर करने के लिए हम पराक्रम दिवस मनाते हैं भाई पर पराक्रम दिवस क्यों क्योंकि ही लेफ्ट द कंट्री ये बाहर कई सारे कंट्रीज में रहे सिंगापुर जापान जर्मनी वगैरह वगैरह हर जगह पे जाकर इन्होंने इंडियंस को इकट्ठा किया और अपना एक आर्मी बनाया एंड ही वॉन्टेड टू अटैक ब्रिटिशर्स एंड वॉन्टेड टू कि भाई तुम हमारा देश छोड़ो तो इतनी सारी प्लानिंग की थी इन्होंने तो दैट इज वाई टू कमरेट हिस्स बर्थ डे जनवरी दिस डे इज सेलिब्रेटेड एस पराक्रम दिवस देखो ये जो पहले आपके दोनों ऑप्शन हैं इंडिया वॉन द वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान ठीक है ये जो वाला था, तो जनवरी में वो नहीं हुआ था नाउ मोर देन नाइन थाउजेंड आर्मी पर्सन इंक्लूडिंग द आर्मी ऑफ दिस इज ऑल्सो बींग टॉक अब सेम थिंग सो ये दिसंबर की बात है ट्वेंटी थर्ड जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे होता है नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गो हंड्रेड परसेंट पेपरलेस ठीक है तो हंड्रेड परसेंट पेपरलेस बिना पेपर का कोई इस्तेमाल कौनसी कंट्री में नहीं हो रहा है टोक्यो सिंगापोर दुबई और अबूधाबी अब भाई पेपरलेस का क्या मतलब हुआ क्या वो पेपर का बिल्कुल इस्तेमाल कर, नहीं करते हैं यहाँ पे देखो विच सिटी हैज़ बिकम पेपरलेस का मतलब होता है कि कौन सी गवर्नमेंट कौन सी सिटी की गवर्नमेंट पेपरलेस हो गई है सो दैट आर यू वॉट गवर्नमेंट गोइंग पेपरलेस तो गवर्नमेंट का कोई भी काम पेपर पे नहीं होता है ठीक है जैसे कि आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे काफी जो हमारे फाइल्स होते हैं गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट uh, जो काम होते हैं वो फाइलों में होते हैं राइट फाइल uh, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ फाइलों का ढेर लगा होता है बट एक सिटी ऐसी है विच हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गो पेपरलेस यानी कि भाई उनकी जो गवर्नमेंट है वो अपना सारा काम डिजिटली कर रही है बिल्कुल भी पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो तो ये कौन सी सिटी है ऑप्शन है टोक्यो सिंगापुर दुबई और धाबी ठीक है टोक्यो सिंगापुर दुबई और धाबी द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी दुबई ठीक है तो दुबई वो सिटी है आपकी दैट हैज गॉन हंड्रेड परसेंट पेपरलेस एंड इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट सिटी टू डू सो ठीक है दुनिया की पेपरलेस जाने वाली सबसे पहली सरकार कहां पे है दुबई में है अब देखो इसके फायदे क्या हैं ठीक है आ, आपका एन्वायरमेंट के लिए बेटर है ऑब्वियसली बिकॉज पेपर आपके कहाँ से आते हैं पेड़ों से आते हैं पेपर बनाने के लिए आपको पेड़ काटने पड़ते हैं तो एनवायरमेंट के लिए बेटर है दैट इज डेफिनेटली देयर पर इसके साथ साथ जो आपका काम है ना वो जल्दी हो जाता है और आपके जो मैन आवर्स हैं वो बचते हैं ठीक है मैन आवर्स क्या होते हैं भाई कितना एक आदमी को काम करने के लिए टाइम लगता है वो यहाँ पे बचता है एक आदमी का क्योंकि अब आप, आपका जो काम है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू काफ़ी Easily हो सकता है एंड इवन ये आपको इनएक्सपेंसिव बहुत सस्ता पड़ता है सस्ता कैसे पड़ेगा कि भाई आपने अगर आपको पता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है उसको सारा काम डिजिटली करना है तो अब वो क्या करेंगे भाई उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया अब उसमें सारा काम होगा तो सबसे पहले आपका इनिशियल कॉस्ट आएगा उसके बाद आपका नेग्लिजिबल कॉस्ट आएगा राइट बट पेपर्स में क्या है पेपर्स में आपका जो कॉस्ट है वो एक बार जितना पड़ेगा अगली बार भी उतना ही पड़ेगा और वैसा ही होता रहेगा सो ये आपके तीन फायदे हैं गोइंग पेपरलेस एनवायरमेंट के लिए बेटर है आपके जो मैन आर्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं एंड इनएक्सपेंसिव होता है गोइंग पेपरलेस राइट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट क्राउडेड सिटी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम राइट ये जो आपका डब्ल्यूफ -E है डब्ल्यू ई एफ कहां पे बेस्ड है ये ये बेस्ड है स्विट्जरलैंड में अब इनके मुताबिक भाई दुनिया का सबसे ज्यादा क्राउडेड सिटी ठीक है वर्ल्ड नॉट अ पर्टिकुलर कंट्री और अ पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट पूरे दुनिया का मोस्ट क्राउडेड सिटी कौन सा है राइट सो वर्ल्ड मोस्ट क्राउडेड ऑप्शन है मुंबई ढाका बीजिंग और कानपुर मुंबई ढाका बीजिंग और कानपुर सो so, इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी ढाका ठीक है का, काफी बच्चों को हो लग हो सकता है कि लग रहा हो मुंबई होना चाहिए इसका आंसर बट नहीं जो ढाका है ढाका कहां पे है भाई ढाका कैपिटल है बांग्लादेश का राइट ढाका कैपिटल है बांग्लादेश का तो जो ढाका शहर है इज़ हैल्सो कैपिटल सिटी ये है दुनिया का सबसे ज्यादा क्राउडेड सिटी ठीक है तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग बसते हैं वो है ढाका में पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही कि किस आ, सिटी का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे बात हो रही है जितना उनके पास एरिया है और जितने लोग हैं उसकी बात हो रही है ठीक है तो जो सबसे क्राउडेड सिटी है दैट इज ऑप्शन बी ऑप्शन बी ढाका जो मुंबई है वो इस लिस्ट में सेकेंड पे आती है वन पे टॉप आता है ढाका एंड मुंबई कम्स सेकेंड ऑन दिस वेरी सेम लिस्ट तो मुंबई इज वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट क्राउडेड सिटी ढाका इज द फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अजय ठाकुर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट ठीक है अजय ठाकुर ऑप्शन है कबड्डी रेसलिंग बैडमिंटन और आर्चरी कबड्डी रेसलिंग बैडमिंटन और आर्चरी यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए कबड्डी ठीक है तो जो अजय ठाकुर है ये इंडियन कबड्डी स्टार है इनफैक्ट इंडियन क्यों ये वर्ल्ड कबड्डी स्टार है बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड है ना दुनिया के जो टॉप आप कबड्डी प्लेयर्स देखोगे उनमें अजय ठाकुर की अजय ठाकुर की गिनती की जाती है एंड ही इज एन इंडियन और अगर आप प्रो कबड्डी लीग फॉलो करते हो लाइक जस्ट लाइक क्रिकेट के लिए होता है आई इंडियन प्रीमियर लीग वैसे ही कबड्डी के लिए भी फ्रेंचाइजीज वगैरह होती हैं दैट इज कॉल्ड प्रो कबड्डी लीग तो प्रो कबड्डी लीग में भी काफी इनको पॉपुलैरिटी मिली है और उसमें भी इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी बहुत मतलब ईयर बाय ईयर काफी अच्छा इम्प्रूव हुआ है इनकी फैन फॉलोइंग है वो भी बढ़ती गई है बिकॉज ऑफ प्रो कबड्डी लीग तो अजय ठाकुर इज एसोसिएटेड विद द गेम कबड्डी नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कंट्री दैट ऑक्यूपाइड द फर्स्ट पोजिशन इन टर्म्स ऑफ मेडल्स एट द टोक्यो ओलंपिक्स ठीक है फर्स्ट पोजीशन कौन सी कंट्री को कौन सी कंट्री को मिली टोक्यो ओलंपिक्स में राइट ऑप्शंस हैं यूके यूनाइटेड किंगडम अमेरिका चाइना और इंडिया ठीक है यूके यूएसए चाइना और इंडिया इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी यूएसए ठीक है यूएसए को इन टोटल मिले थे वन हंड्रेड मेडल्स ठीक है सो दिस इज समोटल ऑफ ऑल आपके गोल्ड भी सिल्वर भी और ब्रॉन्ज भी सबको एड करोगे तो टोटल जो मेडल्स मिले थे यूएसए को दैट इज 113 चाइना को कितने मिले थे चाइना को मिले थे 88 ठीक है तो काफी बड़ा डिफरेंस है यहां को कितने मिले थे इंडिया को मिले थे भाई ठीक है इन टोटल सेवन गोल्ड प्लस सिल्वर प्लस ब्रॉन्ज राइट तो जो सबसे टॉप पे था आपकी टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल्स के लिए वो था द कंट्री वॉज यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेक्स्ट वॉट इज द रिटायरमेंट एज फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज ठीक है अब ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में क्यों आ रहा है बिकॉज रिसेंटली कहीं ना कहीं डिबेट्स चल रही है डिस्कशन चल रहे हैं अबाउट कि भाई समथिंग रिलेटेड टू चलो आंसर पहले आप दे लो इसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि क्या डिस्कशन चल रहा है एंड इसका जो करंट सिनारियो में इसका रिलेवेंस क्या है ऑप्शन है भाई सिक्सटी टू ईयर्स सिक्सटी फाइव ईयर्स सिक्सटी ईयर्स और सिक्सटी थ्री ईयर्स ठीक है रिटायरमेंट एज फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज ध्यान से सुप्रीम कोर्ट जज लिखा हुआ है यहाँ पे सिक्सटी टू ईयस सिक्सटी फाइव ईयर सिक्सटी ईयर सिक्सटी थ्री ईयर इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी सिक्सटी फाइव ईयर्स ठीक है तो रिटायरमेंट एज जो है सुप्रीम कोर्ट जज का वो है सिक्सटी फाइव ईयर्स तो हमारी कंट्री में ना जो हाई कोर्ट के जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं इनके रिटायरमेंट एजेस डिफरेंट हैं जब आप हाई कोर्ट जज की बात करते हो तो भाई उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो है सिक्सटी टू ईयर्स ठीक है और जब आप सुप्रीम कोर्ट जज की बात करते हो उनके रिटा उनके रिटायरमेंट है सिक्सटी फाइव ईयर्स राइट तो अभी थोड़ा सा कहीं कहीं पे डिस्कशन हो रहा है कि क्या हमको हाई कोर्ट के जज का भी जो रिटायरमेंट एज है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए सिक्सटी टू से सिक्सटी फाइव ठीक है तो ताकि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो हमारे जुडिशरी में रहें ऑब्वियसली तो भाई ये है जो डिस्कशन चल रहा है दैट इज़ वाई दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ रिलिवेंट राइट नाउ सो द रिटायरमेंट एज फॉर अप्रीम कोर्ट जजेज ऑप्शन बी सिक्सटी फाइव ईयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन कमला हैरिस इज एन अमेरिकन पॉलिटिशियन एंड अटोर्नी एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आइडेंटिफाई हर प्लेस ऑफ बर्थ ठीक है भाई कमला हैरिस जो है हम सबको पता है अभी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में यूएसए में इलेक्शन हुए थे और जो बाइडन उनके बने हैं प्रेसिडेंट और कमला हैरिस बनी है वाइस प्रेसिडेंट राइट सो शी इज एन अमेरिकन पॉलिटिशियन एंड अटोर्नी और ये वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की एंड uh, ये और भी क्योंकि भाई ये और भी मतलब फेमस इसलिए हुए थे क्योंकि वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अब इनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है यह क्या है ऑप्शन है भाई चेन्नई तमिलनाडु इंडिया ओकलैंड कैलिफोर्निया इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑचोरियोस सेंट एन पैरिश इन जमाइका और मॉन्ट्रियाल क्वेबे कैनेडा ठीक है तो भाई कहां पर इंडिया में इनका जो बर्थ प्लेस है वो इंडिया है यूनाइटेड स्टेट्स है जमाइका है या कैनेडा है राइट सो जो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी ओकलैंड कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है जो मतलब हम सब इन कमला हैरिस नाम को काफ़ी इंडियन लग रहा होगा एंड हाँ इनके इंडियन ऑरिजिन हैं बट जो इनका बर्थ प्लेस है वो इंडिया नहीं है इनका जो बर्थ प्लेस है शी वॉज बॉर्न इन इन यूनाइटेड स्टेट्स ओनली तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई कमला हैरिस जो है और आ, इंडियन न्यूज़ में भी आपके यहाँ पे डिस्कशन में भी चला था कि फर्स्ट इंडियन अफ्रीकन वुमेन टू विन द इलेक्शंस एंड बिकम द वाइस प्रेसिडेंट तो भाई जो बर्थ प्लेस है उससे कंफ्यूज नहीं है ना जो बर्थ प्लेस है वो यूनाइटेड स्टेट्स ही है दैट इज नॉट चेन्नई तमिलनाडु इंडिया इट इज ओकलैंड कैलिफोर्निया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है नेक्स्ट हु इज न्यू प्राइम मिनिस्टर तो अभी रिसेंटली जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेंज हुए हैं तो अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर कौन है जिन्होंने नया नए नए अपने चेयर संभाला है प्राइम मिनिस्टरशिप का सो जपान न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन फिमियो किशीदा नॉमी ओसाका सदाकाज तानिगाकी और यशुओ फुकुदा ठीक है फीमियो किशीदा नोमिया ओसाका सदाकाजु तानिगाकी और यशुओ फुकुदा इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए फीमियो किशीदा ठीक है फीमियो किशीदा जो हैं वो हैं आपके नए प्राइम मिनिस्टर तो अभी आपके लिए एक छोटा सा रिसर्च वर्क है कि भाई जो फीमियो किशीदा हैं इनके पहले कौन प्राइम मिनिस्टर था ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ठीक है फीमियो किशीदा के पहले कौन जापान के प्राइम मिनिस्टर थे ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है सो so ये आप थोड़ा सा नाम देखोगे और रिसर्च करोगे कि और वो किन में सर्कमस्टांस अगर आप स्टोरी भी पढ़ सकते हो देन दैट इज वेल एंड गुड बिकॉज ही वॉज नॉट मेड द प्राइम मिनिस्टर इन नॉर्मल सर्कमस्टांस तो बेसिकली uh, आपको बस नाम लिखना है भाई फीमियो किशिदा के पहले कौन नए प्राइम मिनिस्टर बने थे ठीक है नेक्स्ट वेयर वुड 2022 ट्वेंटी टू फीफा वर्ल्ड कप टेक प्लेस ट्वेंटी ट्वेंटी टू फीफा वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट हमारा फीफा वर्ल्ड कप होने वाला इस साल वो कहां पे होने वाला है इजिप्ट कतार रशिया और इंग्लैंड इजिप्ट कतार रशिया और इंग्लैंड इसका जो सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी कतार सो so, कतार होस्ट करेगा 2022 फीफा वर्ल्ड कप राइट नेक्स्ट विच ऑफ दीज इज अ रैंक जस्ट बिलो ग्रैंड मास्टर इन चेस जब आप चेस की बात करते हो तो भे हमको बताया कि जो सबसे हाईएस्ट रैंक है वो ग्रैंड मास्टर है

फीडे मास्टर बनते हो ठीक है एफ एम दैट इज योर फीडे मास्टर दिस इज द स्मॉलेस्ट रैंक इसके बाद जब आप प्रोग्रेस करते हो अपनी गेम में तब आप बनते हो आई एम आई एम इज इंटरनेशनल मास्टर और इसके बाद जाके आप बनते हो ग्रैंड मास्टर दैट इज जी एम ग्रैंड मास्टर तो ग्रैंड मास्टर जो होता है वो हाइस्ट पोजिशन होता है है ना जैसे इंडिया के टॉप जी एम है वो है ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद और वर्ल्ड के अगर टॉप जीएम एम की बात करते दो जो करंट वर्ल्ड चैंपियन है दैट इज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन राइट तो जो आपका ग्रैंड मास्टर है दैट इज द हाइएस्ट रैंक इन चेस उसके पहले आते हैं इंटरनेशनल मास्टर और उसके पहले आते हैं फीडे मास्टर राइट अब इसके साथ साथ देखो काफी और डिटेल्स होती हैं भाई कि कौन मतलब कि फीडा मास्टर कैसे बनता है कोई इंटरनेशनल मास्टर कैसे बनता है कोई ग्रैंड मास्टर कैसे बनता है कोई बट वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको देखो किसी भी सब्जेक्ट में कोई कोई भी क्वेश्चन देखो ना तो उसमें आप हमेशा मास्टरी लेने की कोशिश मत करो ठीक है भाई ये करंट अफेयर्स है आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए आपका जो एग्जाम है वो भी आपसे इतना ही एक्सपेक्ट करता है कि आपको बेसिक आइडिया हो वो नहीं चाहते हैं भाई कि आप एकदम चेस में मास्टर हो गया और तभी आप ये आंसर दे सकते हो कि आपको सब कुछ पता हो चेस के बारे में ज़रूरी नहीं है आपको बस उतना पता होना चाहिए जितना भाई एक नॉर्मल इंसान को पता होगा जो एक अवेयर इंसानों का भाई कि आसपास क्या चल रहा है बेसिक बेसिक क्या चीज़ें हैं अगर भाई कंट्री में चेस का माहौल बना हुआ है तो बेसिक नॉलेज क्या होती है जिसके बारे में वो एक्सपेक्टेड है आपसे ना कि भाई कि कौन ट्वेंटी हंड्रेड टू थाउजेंड एट का चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता था इतने रैंडम नाम क्वेश्चन नहीं आते हैं ठीक है तो बहुत ज़्यादा हमको किसी टॉपिक के डिटेल में नहीं जाना है सब कुछ बेसिक बेसिक हमको पता होना चाहिए बस दैट्स इट बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ठीक है सो दैट वॉज योर टेन क्वेश्चन आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे हूँ अगर आपको आ, अगर आपको आंसर आते थे पहले से सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड इनफैक्ट अगर आपको आंसर्स नहीं आते तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिए आंसर्स और आप देखो क्वेश्चंस को दोबारा देखो क्वेश्चंस देखो कि भाई टेन क्वेश्चन फेस वैल्यू पे थे ठीक है अब इनके अलावा भी क्या इसमें ऐसा कुछ था जिससे और क्वेश्चन बन सकता था ठीक है अगर और क्वेश्चन बन सकता था तो अगर वो बनता तो क्या आप उसका आंसर दे पाते तो उस हिसाब से तो आप अपना रिसर्च करोगे बेस्ड ऑन दीज टेन क्वेश्चन ठीक है तो इस टेन क्वेश्चन को बेस रख के अभी आपको एक दो दिन इस दस क्वेश्चन को देखना है और इसमें से देखना कि और कितने क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं और उनको आपको प्रिपेयर करना है राइट सो दैट इज द मेन एम ऑफ आवर करेंट अफेयर्स सेशन राइट सो या दैट्स इट फॉर दिस सेशन थैंक यू